करता हूं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट पंजाब पुलिस की एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब टाइप क्या है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसके बाद सैलरी कितनी है, यूनिफॉर्म जॉब है या नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, इसके अलावा स्केल क्या होगा, इसकी प्रमोशन क्या होगी, वर्किंग क्या होती है और इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं पूरे पंजाब में और आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऐसे तमाम लोग जिनकी बैचलर डिग्री है सेकेंड डिवीज़न के साथ, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब टाइप, ये परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी जॉब नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वो परमानेंट ही होगी। सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इसकी जो है तकरीबन 60,000 है, इससे 2-4 हज़ार अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है। इसके बाद आपकी जब प्रमोशन होती है तो फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म जॉब है। आप सिविल कपड़ों में, सिविल ड्रेसिंग में हैं, आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केल इसका है 16, 16वें स्केल की ये जॉब है। इसके अलावा इसमें जो है आप सीनियर क्लर्क से अबव काम करते हैं, सीनियर क्लर्क से ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा जो आपकी प्रमोशन है, प्रमोशन आपकी होगी ग्रेड 17 में, जो कि सुपरिटेंडेंट कहलाता है और डीपीओ के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। अब लास्ट में ये है कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ppsc.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपका 600 का चलान जनरेट होगा, तो वहाँ से आपने चलान पे करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते सारे प्रोसेस को तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जा सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका 100 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि PPSC लेगी। इसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट शामिल हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप PPSC के पास्ट पेपर पहले उनको सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ से भी 30-40% पेपर आता है। इसके अलावा जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, इनकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।